Hey my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था ऑनलाइन वाला लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ अदिति को पूर्वी की पूरी सच्चाई पता चल जाती है। अदिति बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा। अदिति को खुद पे बहुत गुस्सा भी आता है कि वो कैसे इतनी बेवकूफ़ हो सकती है, बिना आवाज़ सुने बिना देखे कैसे ही किसी पे विश्वास कर सकती है और तो और प्यार भी कर सकती है। यहाँ दीदी बहुत ज़्यादा रो रही थी तो उसी तरफ पूर्वी भी बहुत परेशान थी। पूर्वी बार बार दीदी को मैसेजेस कर रही थी पर दीदी उन मैसेजेस का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए पूर्वी अब अदिति को कॉल करने लग जाती है। अदिति रोते हुए कॉल पिक करती है, कहती व्हाट, क्या कहना है अब आपको मुझे से, हाँ बोलो। और तभी पूर्वी मैसेज करते हो, कहते व्हाट्स रॉन्ग विद यू, हाँ रो क्यों रही हो, क्या हुआ, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो और ऐसे ही आई हेट यू का मैसेज क्यों बोला। यहाँ दीदी का मन तो कर रहा था कि वो गुस्से में ना पूर्वी पे चिल्ला दे, उसे पूछे कि मेरी फीलिंग के साथ क्यों खेला यार, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। और अदिति बोलने ही वाली थी कितने में अदिति की मोम रूम में आ जाती है, जिससे अदिति तुरंत कॉल बंद कर दिया। और उसकी माँ बोलती, अदिति बेटा तू रो क्यों रही है। वो अदिति को हक करते हो, कहते क्या हुआ, फिर से तबीयत खराब हो गई क्या। अदिति बस अपनी माँ की गोद में सर रखती है और रो ही जा रही थी। उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है, देखती अदिति बेटा प्लीज़ ऐसे मत रोना, देख मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बता बेटा क्या प्रॉब्लम है, पढ़ाई कितनी टेंशन ले रही है, क्या हुआ बेटा, इतनी टेंशन मत ले, पढ़ाई ही तो है, हो जाएगी, क्यों इतना दिमाग पर सवार कर रखा है। हाँ अदिति वो दी माँ माँ मुझे बहुत हर्ट हो रहा है माँ। उसकी माँ बोलती क्यों हर्ट हो रहा है, क्या हुआ, कुछ कुछ तो बता, किसी ने कुछ बोला तुझे। अदिति कुछ भी नहीं बोलती और बस रोए जा रही थी। उधर पूर्वी कभी मन बैठा जा रहा था कि अदिति इस तरह क्यों रो रही थी, क्या हो गया, से डल गया अदिति को। पूर्वी बस यही सोच रहे थे कि अदिति से मुझे सब जानना होगा पर कैसे, अदिति तो मेरे मैसेज का जवाब ही नहीं दे रही। पूर्वी ने बहुत सारे मैसेजेस ड्रॉप कर रखे थे पर अदिति उसके मैसेजेस का रिप्लाई करना तो छोड़ो, सीन भी नहीं कर रही थी। अदिति बस अपनी माँ से लिपट के रोए जा रही थी। उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है कि पता नहीं अदिति को सडनली क्यों इतना रोना आ रहा है, क्यों पेन हो रहा है, क्या हुआ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो अदिति को शांत करा के सुलाने की कोशिश करती है। जब तक वो अदिति के पास रहती है, उसे सीने से लगाए, तब तक अदिति सोती रहती है। पर जैसे उसकी मोम उठ के रूम से बाहर जाती है, अदिति की आँख खुल जाती है और अदिति फिर से रोने लग जाती है। उसे पूर्वी के साथ वो सोने वाले लम्हे याद आते हैं और फिर अदिति वो याद करते हुए खुद को ही थप्पड़ मार देती है, मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ, मैंने सांसें सुनी थी फिर भी मुझे समझ में नहीं आया कि वो एक लड़की की सांसें हैं, मैं कैसे इतनी स्टूपिड हो सकती हूँ, कैसे, और खुद को मैं बड़ी चलाक समझती हूँ ना, बेवकूफ़ है अदिति तो एक नंबर की बेवकूफ़ है। अदिति इतना बोल के खुद को ही थप्पड़ लगाए जा रही थी। वहाँ दूसरी तरफ अदिति की मोम अपने दोनों बेटों को बुलाती है और उन्हें ना कहती है कि मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। अदिति बिला वजह रोए जा रही है, परेशान रहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों कर रही है। जिस पर कहते हैं माँ कुछ तो बात है जो अदिति छुपा रही है, हमने उसे कभी इतना परेशान नहीं देखा, सच कहूँ तो माँ उसे ऐसे ना देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो अपनी शरारतें करते हुए अच्छी लगती है। जिस पर उसकी माँ बोलती है हाँ बेटा कह तो तुम ठीक रहे हो, एक काम करो तुम ना अदिति की दोस्त से सुबह मिलना और उससे पूछना, उसे ज़रूर पता होगा। जिस पर अदिति का बड़ा भाई जो होता है वो कहता है ठीक है माँ मैं सुबह ही जाके उससे मिलूँगा, बाप आराम करो सब ठीक हो जाएगा। अदिति की मोम सोने चली जाती है पर उन्हें नींद नहीं आती, जिसकी बेटी इतना ज़्यादा रो रही है उस माँ को कैसे ही नींद आ सकती है। यहाँ अदिति के भाई रूम में चेक करने जाते हैं अदिति को, अदिति जैसे ही देखते दरवाज़ा खुल रहा है वो सोने की एक्टिंग करती है, पर अदिति का भाई उसके पास आके उसके बालों को सहलाता वो कहता है मैं जानता हूँ तू जग रही है, आँखें खोल। अदिति उठ के बैठ जाती है। अदिति के भाई कहता है आइसक्रीम खाएगी, अदिति नाम है सर हिलाती, उसका भाई बता तू और आइसक्रीम छोड़ दे, बाप रे बाप ये कब से होने लगा। अदिति अपने भाई को देखते देखते मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आ रही, आप जाओ यहाँ से, मुझे बात ही नहीं करनी है किसी से भी। उसका भाई बोलता है हो क्या गया है अदिति, कुछ तो बोल, तू हमें किस चीज़ की सजा दे रही है, तू जानती है ना हम सबकी जान बसी है तेरे में, अगर तू ऐसे रोती रहेगी तो हमें कैसे सुकून आएगा, कुछ तो बता मेरी जान हुआ क्या है, किसी ने कुछ कहा मेरे बच्चे को, बोल। अदिति कहते कुछ नहीं हुआ भाई, मुझे मुझे बस अकेले जाना रहना है, आप प्लीज़ यहाँ से जाओ। उसका भाई बता अदिति मेरी बात तो सुन, पर अदिति अपने भाई को ना रूम से बाहर कर देती है और उसके बाद अदिति खुद बहुत ज़्यादा रोने लगती है। अदिति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, अदिति बहुत सोचती है कि बस बहुत हो गया, अब वो मिस्टर पी के बारे में सोचेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचेगी, जो हो गया ना उसे भूलने की कोशिश करेगी और अपनी स्टडी पर फोकस करेगी। अदिति इतना बोल के ना खुद को थोड़ा शांत करती है, वॉशरूम में जाती है, फेस वॉश करती है और उसके बाद बुक्स उठा के बैठ जाती है।
अदिति पढ़ने की कोशिश करती है, पर बार बार मिस्टर पी का ख्याल उसके मन में आ रहा था। पहले उसे जब भी मिस्टर पी का ख्याल आता उसके फेस पे स्माइल आ जाती थी, पर अब जब भी उसे मिस्टर पी की याद आती तो उसे गुस्सा आता और उसके आंसू भी बहने लग जाते। अदिति गुस्से से अपनी बुक भी पटक देती है, क्योंकि वो बुक सिर्फ मिस्टर पी के ख्यालों से भागने के लिए पढ़ रही थी, पर फिर भी उसे मिस्टर पी की याद सता रही थी, यानी कि हमारी पूर्वी की। अब यहाँ अदिति बोलती है, क्या बोलूँ मैं आपको, मिस्टर पी प्रेम या फिर पूर्वी, इतना बड़ा धोखा क्यों किया आपने मिस्टर पी मेरे साथ ऐसा। और अदिति बहुत ज़्यादा रोती है। यहाँ पूर्वी बार बार कॉल कर रही थी, पूर्वी कभी मन बैठा जा रहा था ये सोच सोच के कि अदिति को क्या हो गया, अदिति इतना ज़्यादा क्यों रो रही है। पूर्वी बहुत सारे मैसेजेस करती है, पर अदिति उसके मैसेजेस सीन करके इग्नोर कर देती है। पूर्वी को भी समझ में नहीं आता कि अदिति उसके मैसेजेस इग्नोर क्यों कर रही है। पूर्वी कभी फेसबुक पे मैसेज तो करती तो कभी व्हाट्सएप पे, पर अदिति सारे मैसेजेस सीन करती पर रिप्लाई किसी का भी नहीं करती, जिस पे पूर्वी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। यहाँ पूरी रात अदिति भी रोती रहती है, और दूसरी तरफ पूर्वी भी तड़पती रहती है। पूर्वी को समझ में नहीं आ रहा था कि अदिति सडनली उसके साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, कोई बात है तो वो क्लियर क्यों नहीं कर रही। यहाँ पूर्वी के मन में एक बात भी नहीं आता कि शायद अदिति को उसकी सच्चाई पता चल गई हो। पूर्वी का तो उस तरह दिमाग ही नहीं जाता, उसे शायद यही लगता है कि ना बात करने की वजह से अदिति उसे इतना ज़्यादा नाराज़ है। पूर्वी मैसेज करती है, अदिति प्लीज़ मुझसे एटलीस्ट बात करो यार, प्लीज़ इस यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, एटलीस्ट बस एक रिप्लाई तो दे दो। पर अदिति पूर्वी के सारी चैट्स पढ़ के रोती रहती है, वो अपनी और पूर्वी की पुरानी पुरानी चैट्स भी पढ़ती है और बस रोती रहती है, ये सोच के कि मैं कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ, उन्होंने हर बार मुझसे एक झूठ बोला और मैं उनके झूठ में फंसती चली गई, मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ। तभी अदिति की मॉम जो है वो अदिति को जगाने आती है, अदिति तुरंत सोने का नाटक करने लगती है। अदिति की मॉम आती है जो अदिति के फोरहेड पे किस करती है और कहती है, मेरी जान मेरा राजा बेटा उठ जाओ आप, कितना सोना है, उठो और बताओ मुझे तबीयत कैसी है तुम्हारी। अदिति अंगड़ाई लेते उठते कहती, हाँ माँ सुबह हो गई क्या, गुड मॉर्निंग, तबीयत को क्या होना है, एकदम मस्त फिट हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं होगा। जिस पर उसकी माँ बती, सच से बता कहीं पेन है क्या। अदिति बती, नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं है। अरे क्या आप मुझे सुबह सुबह बातों में उलझा के बैठ गए, हाँ कॉलेज के लिए लेट हो रहा है मुझे, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, प्लीज़ कोई अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना देना, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। अदिति अपनी माँ के सामने ना नॉर्मल होने की एक्टिंग कर रही थी, पर वो शायद भूल जाते कि जिसके सामने वो ड्रामा कर रही है ना वो भी उसी की ही माँ है। अदिति जाने लगती है वॉशरूम पर, उसकी माँ उसका हाथ पकड़ के बिठाती है और कहती है, हो गया तेरा ड्रामा, अब सच से बता कैसी तबीयत है। अदिति थोड़ा मुस्कुराती है, कहती माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपने ना सही कहा था, मैंने स्टडी को ना दिमाग पे सवार कर दिया है, और ना आप सही कहते हो, कुछ भी चीज़ ना मुश्किल नहीं होती, बस हम सोच सोच के ना दिमाग पे चढ़ा देते हैं, और ये मेडिकल ना बिल्कुल मुश्किल है, मैंने अब सोच लिया, अब मैं ना मन लगा के पढ़ाई करूँगी और सब ठीक हो जाएगा, टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लूँगी। अब ये सुनते ही अदिति की मॉम खुशी हो जाती है, वो अदिति के फेवर पे किस करती है और कहती है, बेटा अगर तुम छोड़ना चाहे तो। अदिति बोलती, माँ ये पापा वाला आपका सपना है, ऐसे कैसे छोड़ दूँ मैं आती हूँ फ्रेश होके और हम ब्रेकफास्ट लगा दो ना जल्दी से। उसकी माँ बोलती ठीक है। अदिति नहाने चली जाती है, पर नहाते टाइम भी बार बार उसे अपने मिस्टर पी यानी पूर्वी की बहुत याद सता रही थी। अदिति गुस्से में दीवार में हाथ मारती होती, नहीं बस बहुत हो गया अदिति, तुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, तो और कितनी बेवकूफ़ बनेगी, वो भी तुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो लड़की तेरी फीलिंग्स के साथ खेल रही है, जस्ट बिहेव योरसेल्फ, तो अब ना ऐसा कुछ नहीं करेगी जिसे तेरी फैमिली को तकलीफ हो, अपने लिए ना से तो अपनी फैमिली के लिए तो समझ जा और भूल जा उसे, वो बस एक दिखावा है और कुछ नहीं। सबसे पहले तो मुझे मेरी आईडी ही डिलीट करनी होगी। अदिति शावर लेते टाइम यही सोचते हैं, शावर लेके जैसे बाहर आती है अदिति गुस्से में अपना मोबाइल उठाती है, वो अपने फेसबुक आईडी डिलीट करने वाली होती है, पर उससे हो नहीं पा रहा होता, अदिति के हाथ बहुत ज़्यादा कांपने लगते हैं। तभी अदिति की माँ आवाज़ लगाती है, अदिति बेटा हथियार हो गई तो आज वो नाश्ता लग गया है। अदिति बोलती, हाँ माँ मैं आ रही हूँ। अदिति मोबाइल रख देती होगी, तीसरे तो मैं कभी भी डिलीट कर सकती हूँ ना, अभी मुझे माँ को और परेशान नहीं करना चाहिए, पहले नीचे जाना चाहिए। अदिति तब बोल के नीचे चली जाती है अपनी माँ के पास, उसकी माँ उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। अदिति मुस्कुराते हुए अपनी माँ को देखती है, अपने भाइयों को और अपने पापा को देखती है जो उसे लेके बहुत बड़ी थे।
अदिति सबसे हंस के बात करती होगी थी, मुझे कुछ नहीं हुआ। आप सब तो कैसे परेशान हो जाते हो, जरा सा कुछ हो जाए मुझे। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर अदिति ऐसे ही हंसती मजाक करते अपने पूरे परिवार को हंसा रही थी ताकि उसके परिवार वाले और परेशान ना हो उसे लेके। यहाँ अदिति सबके फेस पे स्माइल देखती है तो उसके फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है। और अब अदिति सोचती है चाहे जो भी हो जाए, जो भी हो जाए वो बस अपनी फैमिली के लिए खुश रहेगी और किसी भी तरह ना मिस्टर पी को भूल जाएगी। पर ये क्या इतना आसान होने वाला है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि किसी को भुलाना बहुत मुश्किल होता है जब आपके दिल में उसके लिए प्यार या फिर आपको उसकी बुरी वाली आदत लग चुकी हो। और अदिति को तो ये दोनों ही था। वह अदिति का भाई उसे कॉलेज ड्रॉप करने जाता है और अदिति जैसे कॉलेज के अंदर जाती है ना तो उसका भाई वहीं वेट करने लगता है क्योंकि वो अदिति की फ्रेंड से मिलना चाह रहा था। अदिति की फ्रेंड को देखता है तो तुरंत गाड़ी से नीचे उतरता है और उसे कहता है सुनो मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, कुछ बात करनी है। तो कहती भाई मुझसे बात करनी है? क्या हुआ दीदी? कॉलेज नहीं है, नोट्स चाहिए? ठीक है मैं दे दूँगी। वो बोलते नहीं दो मिनट कार में बैठो। कहती कार में क्यों? वो तो खा नहीं जाऊँगा तुम्हें, बैठो बात करनी है। जिस पे अदिति की फ्रेंड बैठ जाती है, अदिति का भाई बोलता है देखो तुम अदिति की बेस्ट फ्रेंड हो, अदिति की लाइफ में जो भी चल रहा है तुम्हें ज़रूर ही पता होगा, हमें बताओ कौन सी बात है जो अदिति को इतना परेशान कर रही है? हमने उसे कभी भी ऐसे नहीं देखा, वो बहुत परेशान है, पता है कोई तो बात है जो वो हमसे छुपा रही है, प्लीज़ हमें बताओ, हम सब उसे लेके बहुत वरीड है, माँ ने तो रो रो के बुरा हाल कर रखा है। जिस पे बोलती भाई ऐसी तो कोई बात नहीं है, अदिति की तबीयत ख़राब थी ना बस इसीलिए, अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी कुछ ही दिनों में। जिस पर कहती तुम इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हो, मतलब कुछ तो बात है ना जो तुम्हें पता है और तुम छुपा रही हो। वो बोलती नहीं नहीं भाई मैं तो इसलिए कह रही थी ना कि अदिति बहुत स्ट्रॉन्ग है और अब तो उसका फीवर भी ख़त्म हो गया है, वो कुछ दिनों तक वापस कॉलेज पर आने लगेगी। जिस पर अदिति का भाई बोलता आने लगेगी नहीं, वो कॉलेज ज्वाइन कर चुकी है, वो क्लास की तरफ ही गई है, लेकिन मुझे पता है कुछ बात है। देखो अदिति हमारी इकलौती बहन है, हम सब उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसे तकलीफ़ में देखना ना हमारे बस की बात नहीं है, तो कुछ भी है तो तुम हमें बता दो, हम हमेशा उसका साथ देंगे, कोई भी बात है तुम हमें बता दो, हमारे लिए हमारी बहन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। अगर वो स्टडी का प्रेशर ले रही है, अगर उसे ये मेडिकल स्टडी पसंद नहीं है या वो नहीं कर पा रही तो कोई बात नहीं है, वो भी बता दो, हम उसे छुड़वा देंगे, जो हो चाहे वो कर सकती हैं, हम उसे किसी चीज़ के लिए भी प्रेशराइज नहीं करेंगे, हमारे लिए बस वो इम्पोर्टेंट है। जिस पर अदिति की दोस्त मन में कहती यार कितना अच्छा परिवार है अदिति का, और वो कहती नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, कुछ होगा तो मैं पक्का बताऊंगी, अभी मैं चलूँ क्लास के लिए लेट हो रहा है और अदिति भी मुझे देख रही होगी। जिस पर अदिति के भाई बोलते हैं ठीक है लेकिन अदिति को मत बताना मैंने तुमसे बात की थी। वो कहते ठीक है, और यहाँ अदिति की दोस्त क्लास में चली जाती है, पर दोस्त दोस्त से कुछ छुपा तो नहीं सकती है, वो तुरंत ही अदिति को बता देती है तेरे भाई ने मुझसे बात की है, वो तुझे लेके बहुत परेशान है, कह रही थी आंटी भी तुझे लेके बहुत परेशान है, रो रही है। देख दीदी तुझे भगवान ने ना बहुत अच्छा परिवार दिया, लोग तो तरसते हैं इतने प्यार करने वाले परिवार वालों के लिए, तो तू उनके लिए क्यों नहीं जीती? अब भूल जाओ उस मिस्टर पीवी को, और वैसे भी वो तो बस एक धोखा है ना, तेरी रियलिटी तो तेरी फैमिली है जो तेरे पे जान मारते हैं, है ना। हाँ दीदी बोलती है मिस्टर पी मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं उन्हें ऑलरेडी भुला चुकी हूँ। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती है अच्छा अगर तू उन्हें भुला चुकी है तो ये क्या है, हाँ कब से क्या लिख रही है तू? अदिति तुरंत अपनी नोटबुक बंद करने लगती है, पर उसकी फ्रेंड देखती है अदिति ने पूरे पेज पे मिस्टर पी लिख रखा था। अदिति की फ्रेंड बोलती है प्लीज़ अदिति होश में आ, मिस्टर पी एग्जिस्ट ही नहीं करता इस दुनिया में, कोई मिस्टर पी नहीं है, वो पूर्वी है जो तेरी फीलिंग के साथ खेल रही थी। अदिति बोलती प्लीज़ अभी कुछ मत बोलो यार, मैं सब जानती हूँ। वो कहते फिर क्यों अनजान बन रही है, ये क्यों उसका नाम बार बार लिख रही है? अदिति बोलती नफरत करने की कोशिश कर रही हूँ उससे जो उसने मेरे साथ किया, मुझे तब तक उससे नफरत हो जानी चाहिए ना, पर ना जाने क्यों मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ, ना चाहते हुए भी ऐसे नहीं है यार कि मुझे हर्ट नहीं हो रहा, मुझे बुरा नहीं लग रहा जो उसने एक साथ मेरे साथ किया, पर मुझे नफरत भी तो नहीं हो रही ना यार उस लड़की से, जब से उसे देखा है उल्टा उसके बारे में ज़्यादा सोच रही हूँ, पता नहीं क्यों जब से वापस आई हूँ वो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती तेरा दिमाग खराब हो गया है, उसे तुझे इतना बड़ा धोखा दे और तो भी उसी लड़की के बारे में सोच रही है। देख अदिति वो लड़की ना बहुत सेल्फिश है और तेरी दोस्ती के ना बिल्कुल लायक नहीं है, तो सोचना भी मत उससे दोस्ती करने की। अदिति बोलती मैंने कब बोला मैं उससे दोस्ती रखूँगी? जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती मैं तुझे ना अच्छे से जानती हूँ, जो कब क्या सोचती है वो भी मुझे पता होता है, और ये तेरी नज़रें ही बता रही हैं जिन्हें तू बार बार मुझसे छुड़ा रही है। अदिति
तू इस जलजल में क्यों फंस रही है दलदल में। हाँ तेरी खुद की इतनी प्यारी फैमिली है, तेरी इतनी परफेक्ट लाइफ है, तुझे डॉक्टर बनना, अपने एम पे फोकस क्यों नहीं कर रही तू। हाँ दीदी बोलते मुझे नहीं पता यार, उसने मेरे साथ जो किया सो किया, पर मैं नहीं रह पा रही। और वैसे भी दोस्त दोस्त बन के तो मैं उसके साथ रह ही सकती हूँ ना। जिस पे दीदी की फ्रेंड बनती, देख आ गई ना तेरे जबान पे वही बात। अरे देवोदी मुझे नहीं पता, मुझे आदत है, मैं नहीं रह पा रही यार उसके बिना। वो दोस्त बन के रहे बस वो भी ठीक है। जिस पर उसकी फ्रेंड बती दिमाग खराब हो गया, उसने तुझे इतना बड़ा धोखा दिया फिर भी। दीदी बती मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत। मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर मैंने मिस्टर पी और मिंटू से अगर मैंने पूर्वी से बात नहीं की ना मैं जी नहीं पाऊंगी। तू समझ नहीं रही, मैंने उनसे बात नहीं की, मेरा मुझे ऐसे लग रहा है मेरा दिल फटा जा रहा है। मैं तुझे कैसे बताऊँ, मुझे मैं तुझे नहीं बता सकती यार मुझे कैसा फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे सांस नहीं आ रही। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती वाह वाह बेटा एक काम करते हैं ना, हम दोनों मिलके ना सारी मेडिकल किताबें जला देते हैं, क्योंकि उसमें तो बताया जाता है ना ऑक्सीजन से सांस आती है। हाँ पर ये नहीं बताया जाता है ना कि एक लड़की से बात ना करने से सांस रुक जाती है। तो हाँ वो सब जला देते हैं हम दोनों मिलके, ठीक है, और प्रोफेसर को भी बता देते कि वो हमें गलत पढ़ाना बंद करे। दीदी बोलती तू हंस रही है मेरी हालत पे, मैं तुझे कैसे बताऊँ मुझ पर क्या बीत रही है। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती लुक को दीदी अगर तूने फिर से उस लड़की से बात करी ना आई स्वेयर मैं तेरे भाई को मिलके ना खुद सच बता दूंगी, भागे तू देख ले। अदिति बोती दोस्त है कि दुश्मन। जिस पर उसकी फ्रेंड बोती तेरी दोस्त हूँ इसलिए तुझे इस दलदल से बाहर निकाल रही हूँ, बाहर निकल। और ये ना ऑफलाइन दोस्ती अच्छी होती है, ऑनलाइन नहीं। पता नहीं वो लड़की कैसी है, उसने तुझे पहले इतना बड़ा धोखा दिया फिर भी तू उसके साथ दोस्ती रखने की बात करी है। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा, अकल घास चढ़ने गई है तेरी, या किसी को रेंट पर दे रखी है, पैसों की कमी हो गई थी तो मुझसे ले लेती। हाँ अपनी अकल क्यों गिरवी रख के आ गई है कहीं पर। जिस पर अदिति बोती यार अब तू भी मुझे सुनाएगी, बस बहुत हो गया मैं जा रही हूँ। उसकी फ्रेंड बोलती अरे अभी लेक्चर स्टार्ट होने वाले, कहाँ जा रही है तू। अदिति बोलती जहन्नुम में जा रही हूँ मैं तुझे क्या। अदिति इतना बोल के अपना लेक्चर बंक करती है और कोली से बाहर आ जाती है, क्योंकि उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। पास में ये कैफे था अदिति वहाँ जाके बैठ जाती और बस रोए जा रही थी। वहाँ पे वेटर भी अदिति को देख के परेशान हो जाते हैं और कहते हैं मैम क्या हम आपकी कोई भी हेल्प कर सकते हैं। अदिति उन सबको जाने को बोल देती है और अपना मोबाइल निकालती है। यह अदिति मैसेज देखती है, पूर्वी स्टिल उसे मैसेज कर रही थी और अभी भी शो हो रहा था टाइपिंग। और पूर्वी देखती है अदिति मैसेज सीन कर रही है, तो पूर्वी बोलती है अदिति क्या हुआ आप ठीक तो हो ना, रात में भी इतना रो रही थी मैसेज भी इग्नोर कर रही हो, क्या हो गया है आप ठीक तो हो। देखो मेरा मन बैठा जा रहा है प्लीज़ सब सब ठीक तो है ना, बस बस एक रिप्लाई, इतना टाइम जाता है क्या एक रिप्लाई में। अदिति कहती है नहीं वो मैं बिजी थी थोड़ा। पूर्वी बोलती क्या बिजी थी और पता है मैं कब से क्या सोचे जा रही थी, और ये क्या बोला था आपने मुझे आई हेट यू, आई हेट यू क्या होता है यार, देखो मैंने आपसे वॉइस में बात नहीं करी तो आई हेट यू बोल दोगी सीधा। अदिति बोलती सॉरी उसके लिए, पर मैं आपसे कभी नफरत नहीं कर सकती फिर चाहे जो भी हो जाए। पूर्वी बोलती अगर मैं कुछ बहुत गलत कर दूँ तो भी नहीं। अदिति बोलती नहीं आपने कुछ किया है तो आप बता सकते हो अभी भी। जिस पे पूर्वी बोलती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्या क्या तुम एक वॉइस नोट कर सकती हो दीदी, बहुत मिस कर रहा हूँ यार तुम्हें, ऐसे लग रहा है सदियों से तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी, जबकि जब से हमारी बात नहीं हो रही मैं तुम्हारे पिछले सारे वॉइस नोट सुन रहा हूँ फिर भी ऐसे अजीब सा फील हो रहा है, बस एक वॉइस मैसेज। अदिति बोलती क्यों क्या कर लोगे मेरा वॉइस मैसेज सुन के। पूर्वी बोलती मन को शांति हो जाएगी क्या आप ठीक हो। अदिति बोलती सेम बात मैं बोलूँ तो मेरा भी तो मन करता है, मुझे भी तो नहीं सुनने को मिलती ना आपकी आवाज़। अदिति कोशिश कर रही थी कि पूर्वी एक्सेप्ट कर ले माफ़ी मांग ले यार मैं माफ़ कर दूंगी, पर यहाँ पूर्वी तो अभी भी झूठ पे झूठ बोले जा रही थी, जिस पर अदिति को बहुत गुस्सा आता है। तभी यहाँ अदिति के मोबाइल पे ना एक कॉल आ जाती है, अदिति कॉल पिक करती है और ये कॉल उसके भाई की थी जो उसे बोलता है बच्चा तू क्लास में है। अदिति को लगता है कि मेरी दोस्त ने भांडा फोड़ दिया, अदिति बस मैं बोलती है। उसके भाई बोलता है वो कोई पार्सल आया है, खोल के देखा तो मोबाइल था रिटर्न पार्सल था, ये सब क्या है किसको भिजवाया था तूने। जिस पर अदिति बोलती भाई वो मेरी फ्रेंड का था, उसने उसका था, अब मैं घर आके बात करती हूँ। अदिति कॉल कट कर देती है और
पूर्वी को बोलती है, आप मिस्टर पी एक बात पूछूं? जिस पे मिस्टर पी बोलते हम पूछो। अदिति बोलती, कैसे दिखते हो आप ये तो बता दो। अब पूर्वी कहती है, क्या बताऊं इसे, हाँ पता नहीं मुझे क्या पता, मैं अपनी तारीफ कैसे ही करूँ अदिति। हाँ ठीक ठाक सा दिखता हूँ, जैसे सब दिखते हैं वैसे ही। अदिति हंस पड़ती है और आंखें बंद करती है, और उसे याद आता है जब उसने पूर्वी को देखा था। और अदिति बोलती, मुझे पता है आप बहुत अच्छे दिखते हो। जिस पे मिस्टर पी बोलते, अच्छा ठीक है वो सब छोड़ो, वॉइस नोट मांगा था मैंने। अदिति बोलती, नहीं दूंगी, जब तक आप मुझे नहीं सुनाओगे अपनी आवाज़ अब मैं भी नहीं सुनाऊंगी। मिस्टर पी बोलते, देखो दीदी ये गलत है। अदिति बोलती, नहीं इसे कहते हैं जैसे को तैसा, अब समझ आया मुझ पे क्या बीतती है। तभी मिस्टर पी कुछ टाइपिंग करके रिमूव कर देते हैं। अदिति बोलती, कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज़ कह दो। अदिति बार बार पूछ रही थी कि शायद शायद यहाँ पे मिस्टर पी उसे सच्चाई बता दे, पर पूर्वी तो इतनी डर गई थी कि वो कुछ भी नहीं बताती। पूर्वी डर रही थी अदिति को खोने से, इसलिए वो कुछ भी नहीं बता रही थी। पर यह चीज़ अदिति को और भी हट कर रही थी। जहाँ अदिति पूर्वी से बात खुशी खुशी कर रही थी, अब उसका मूड ख़राब हो जाता है और वो ढंग से बात भी नहीं करती। यहाँ पूर्वी बोलती, अदिति मैं अपनी मीटिंग छोड़ के तुमसे बात करने आया हूँ और तुम रिप्लाई क्यों नहीं दे रही। पर यहाँ अदिति अपना मोबाइल पॉकेट में डालती और बस वहीं बैठे हुए रोने लगती है। वहाँ पूर्वी को भी उसका बॉस डांट देते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। पूर्वी सॉरी करती है और फिर अपनी मीटिंग में ध्यान देने लगती है। ऐसे ही फिर से 2-3 दिन गुजर जाते हैं। पूर्वी कुछ टाइम खुश हो जाती क्योंकि अदिति उससे अच्छे से बात कर लेती, लेकिन फिर कुछ देर बाद अदिति उसके मैसेजेस को सीन करके भी इग्नोर कर दिया करती थी। अब ये चीज़ पूर्वी को भी हर्ट करने लगी थी। पूर्वी अदिति से पूछ ही लेती है, अदिति तुम चाहती क्या हो, क्यों ऐसा कर रही हो। जिस पे अदिति कहती है, इस पे सारी गलती आपकी है मिस्टर पी, सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। जिस पे मिस्टर पी बोलते, मैंने क्या किया। अदिति बोलती, आपको आपको पक्का पता है ना मुझसे कुछ नहीं छुपा रहे हो। जिस पे पूर्वी बोलती, नहीं कुछ नहीं छुपा रहा, हुआ क्या। अदिति बोलती है, वीडियो कॉल पे आओगे। जिस पे पूर्वी बोलती, क्या अदिति तुम भी। अदिति बोलती है, एक बार वीडियो कॉल पे आ जाओ ना, अपना कैम ऑन मत करना पर मेरा कर लेना। मैं तो कर सकती हूँ ना अपना कैम ऑन, मुझे आप आपसे खुद को छुपाने में ना कोई वो नहीं है, तो मेरी कॉल उठा लो। हाँ जिस पे मिस्टर पी बोलते, अच्छा ठीक है 2 मिनट रुको। अब यहाँ मिस्टर पी जो है वो थोड़ा सा ऑफिस के एक साइड पे आ जाता है और वहाँ वीडियो कॉल पिक कर लेता है, पर अपना कैम हाइड करके रखता है, अपना कैम ऑफ करके रखता है। अब यहाँ अदिति मास्क पहन के पूर्वी के सामने आके बैठ जाती है। पूर्वी की तो दिल की धड़कने बढ़ जाती है और वो कहती है, अदिति मतलब वो टाइप करती है, अदिति तुम ये तुम हो, तुमने मास्क क्यों पहना है। अदिति बोलती, मास्क हटा दिया तो शायद आपको बहुत बड़ा झटका लगे। जिस पे पूर्वी बोलती, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, क्या हुआ। जिस पे अदिति बोलती, लास्ट टाइम पूछ रही हूँ मिस्टर पी, कुछ कहना चाहते हो तो कह लो, फिर शायद मौका ना मिले। तभी भी पूर्वी कुछ भी नहीं कहती, कहती क्या मतलब, तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और कब से तुम कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रही हो, सब ठीक तो है ना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तभी यहाँ अदिति जो हाथ में नाइफ लेके बैठ जाती है, जिस पे पूर्वी हंसते हुए मैसेज करती है, ये नाइफ क्यों हाथ में रखा है यहाँ, मेरे लिए कोई सरप्राइज वरप्राइज है क्या, केक कट कर रही हो क्या हमारी पहली वीडियो कॉल पे। जिस पे अदिति हंसते हैं, कहती हाँ पर केक कट करना पुराना रिवाज हो गया है, सोचो कुछ और कट करके हम सेलिब्रेशन करो हमारी फर्स्ट वीडियो कॉल। जिस पे पूर्वी बोलती, मतलब मैं कुछ समझी नहीं, क्या कट करने वाली हो। तभी यहाँ अदिति एकदम से अपने हाथ की नब्स कट कर लेती है, और ये पूर्वी के लिए सच में बहुत शॉकिंग था। और यहाँ पूर्वी तुरंत लिखती, ये क्या कर रही हो, दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा। और तभी अदिति बोलती, अभी भी कुछ नहीं बोलोगे, नहीं सुनाओगे मुझे अपनी आवाज़, हाँ मुझे आवाज़ सुननी है आपकी। और यहाँ पूर्वी रोते हुए टाइप करती है, अदिति ऐसा मत करो, बहुत ब्लीडिंग हो रही है, प्लीज़ जस्ट जस्ट स्टॉप इट, तुम पागल पागल हो गई हो क्या, क्यों क्यों कर रही हो ऐसा। बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है पूर्वी, पर यहाँ अदिति तो पूर्वी की बात ही नहीं मानती और वो अपने हाथ को बस काटे ही जा रही थी और एक ही बात बोल रही थी कि मुझे आपकी आवाज़ सुनी है, मुझे आपकी आवाज़ सुनी है, मुझे आपकी आवाज़ सुनी है।
और यहाँ पूर्वी अब मरती क्या ही ना करती, जब वो अदिति को इतने खून में लथपथ देखती है तो वे चिल्लाने लगती है। तभी बाहर से शोर की आवाज़ ना सुन लेता है अदिति का भाई, क्योंकि अदिति गुस्से में चिल्ला रही थी, मिस्टर पी मुझे आवाज़ सुननी है, कॉल अनम्यूट करो, मुझे आवाज़ सुनाओ अपनी, आपने सुना नहीं, आवाज़ सुनाओ। और यहाँ पूर्वी भी चिल्ला रही थी कि अदिति प्लीज़ डॉक्टर के पास जाओ, क्यों कर रही हो ऐसा, प्लीज़ मत करो, बहुत ब्लीडिंग हो रही है, पागल हो गएगा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। पर यहाँ अदिति तो बिल्कुल भी पूर्वी की कोई बात नहीं मान रही थी। तभी यहाँ पूर्वी अनम्यूट करती है और रोते हुए कहती है प्लीज़ अदिति ऐसा मत करो, अदिति प्लीज़ जस्ट जस्ट स्टॉप इट, अदिति कोई है क्या वहाँ पे, प्लीज़ इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ, अदिति ये क्यों किया तुमने। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी और अदिति भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसके रोने के बाद उसका भाई बाहर से सुन रहा था, जो चिल्लाता हुआ कहता है अदिति बच्चा दरवाज़ा खोल, तू रो क्यों रही हो, लॉक क्यों किया दरवाज़ा खोल। पर यहाँ अदिति ने रूम लॉक किया हुआ था। पूरे बताया अदिति ये क्यों किया तुमने। तभी अदिति अपना मास्क रिमूव कर देती है और यहाँ पूर्वी और ज़्यादा शौक, पूर्वी को और ज़्यादा झटका लगता है। पूर्वी पहचान जाती है तो वही लड़की है जो घर के बाहर बेहोश हुई थी। पूर्वी कहती तो तुम तो वही हो ना। अदिति बोलती वही हूँ जिसे आपने पूरा 1 साल बेवकूफ़ बनाया, 12 मंथ हाँ अच्छे से मुझे बेवकूफ़ बनाया, लड़का बन के मुझसे बात की, मेरी फीलिंग्स के साथ खेला आपने, क्यों किया ऐसे अरे मिस्टर पी, ओ सॉरी सॉरी प्रेम, अरे मैं भी बुद्धू हूँ ना, हम गजल नाम तो पूर्वी है ना, मिस्टर पी क्यों किया आपने मेरे साथ, कि एक पल भी आपने मेरे बारे में नहीं सोचा, मुझ पे तर्स नहीं आया आपको, कितनी बेवकूफ़ थी ना जो आप पे इतना विश्वास करने लगी थी, सब कुछ बताया मैंने आपको अपने बारे में और आपने इतना बड़ा राज छुपाया मुझसे। अदिति को इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी ना, उसे ढंग से बोला भी नहीं जा रहा था, अदिति को थोड़ा चक्कर चक्कर भी फील हो रहा था। तभी यहाँ पूर्वी तुरंत अपना वेब कैम ऑन कर लेती है और कहती है अदिति प्लीज़ मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो प्लीज़, कोई है वहाँ पे प्लीज़ इसे हॉस्पिटल लेके जाओ, अदिति अदिति प्लीज़ मैं पैर पकड़ती हूँ तुम्हारे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसे मत करो। तभी यहाँ पूर्वी को ना चिल्लाते हुए आवाज़ आ रही थी अदिति के भाई की। यहाँ पूर्वी बोलती अदिति प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, अपने भाई को अंदर आने तो वो तुम्हारी हेल्प करेगा। पूर्वी बहुत ज़्यादा रो रही थी पर अदिति उसकी बात नहीं मान रही थी। पूर्वी बोलती प्लीज़ अदिति अगर मुझे कभी भी अपना दोस्त माना है ना, तुम्हारी दोस्ती की कसम, प्लीज़ मेरे लिए दरवाज़ा खोल दो, हॉस्पिटल चले जाओ, प्लीज़ ऐसा मत करो, देखो 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 बहुत ब्लीडिंग हो रही है, तो तुम्हें कुछ हो जाएगा, ऐसा क्यों कर रही हो तुम, हम सॉरी सारी मेरी गलती थी, मैंने मान लिया, तो तुम ठीक हो जाओ, मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगी, तुम मुझे मार लेना जूतों से मार लेना, पर ऐसा मत करो प्लीज़, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम। जिस पे पूर्वी के बाद सुन के अदिति होती दोस्ती, कैसी दोस्ती, क्या आपने कभी मुझे अपना दोस्त भी समझा था। और यहाँ अब पूर्वी बहुत होती है कहती तुम्हें प्लीज़ मेरी कसम मेरे लिए दरवाज़ा खोल दो प्लीज़। तब यहाँ कटे हुए हाथ में मोबाइल पकड़ के अदिति दरवाजे की तरफ बढ़ती है और पूर्वी अदिति को देख रही थी और पूर्वी बहुत ज़्यादा रो रही थी। अदिति के पूरे हाथ खून से लथपथ हुए हुए थे और उसके आंसुओं से पूरा फेस भी भरा हुआ था, आंखें भी पूरी सूजी हुई थी। यहाँ दरवाज़ा खोलते ही अदिति वहीं अपने भाई के पैरों में गिर जाते, जिस पर उसका भाई चिल्लाते हुए कहते अदिति अदिति क्या हुआ बच्चे, ये क्या किया तूने। और यहाँ मोबाइल भी ज़मीन पर गिर जाता है और कॉल ना गलती से कट हो जाती है, शायद अदिति का ही हाथ लग गया था जब वो गिर रही थी तब, जिस पे पूर्वी बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। पूर्वी अदिति का नाम लेके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है अदिति तुमने ऐसा क्यों किया, अदिति तुम ठीक तो ना, प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। और यहाँ पूर्वी बार बार कॉल कर रही थी, तभी उसके एक कुलीग उसे इतना चिल्लाते हुए देखता है और यहाँ पूर्वी बिना कुछ सोचे समझे ऑफिस से बाहर भागने लगती है। वो कुलीग बॉस को जाके बताता है, बॉस अदिति सॉरी पूर्वी को कॉल करता है, पूर्वी का नंबर बिजी जा रहा था, पूर्वी बार बार अदिति के नंबर पर कॉल कर रही थी। यहाँ पूर्वी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं अदिति ठीक भी होगी, ये सब मेरी वजह से हुआ, बहुत ज़्यादा रो रही थी बहुत ज़्यादा। यहाँ पूर्वी रोते रोते तुरंत जो है वो
मेट्रो की तरफ दौड़ती है और मेट्रो पकड़ लेती है, क्योंकि अब बस उसे अदिति के पास जाने से कोई भी नहीं रोक सकता था। यहाँ दूसरी तरफ अदिति की फैमिली जो होती है, उसका भाई, मम्मा, पापा, वो अदिति को उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अदिति की हालत सच में सीरियस हो जाती है और जिस हॉस्पिटल में अदिति को लेके गए होते हैं ना, अदिति उसी हॉस्पिटल में उसी सर के अंडर काम कर चुकी होती है और वो डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं अदिति को इस हालत में देख के। और सब बहुत परेशान थे और बस ये दीदी की ना ठीक होने के लिए प्रार्थनाएं वगैरह चल रही थी। यहाँ दूसरी तरफ पूर्वी बहुत रो रही थी, वो बार बार कॉल कर रही थी। अदिति का मोबाइल जो है वो रूम के बाहर ही छूट गया था और एक मेड को मिलता है, वो कॉल पिक करती है। पूर्वी उससे पूछती है अदिति अब कैसे, उसे कोई हॉस्पिटल लेके गया। मेड समझ जाती है कि इसे सब पता है और वो बता देती है कि हाँ सारे मालिक उसे लेके हॉस्पिटल गए हैं, पर उनकी तबीयत लगता है बहुत ख़राब है, कोई भी अभी तक घर नहीं आया, पूरे हाथों में खून था, उनका पूरा घर भी खून खून से भर गया। तो वो तो और ज़्यादा पूर्वी को डरा देती है, पूर्वी के हाथ पैर सारे कांपने लग जाते हैं, पूर्वी रोने लगती है। मेट्रो में वो लिटरली बैठ के चिल्ला रही थी, सब परेशान हो गए थे किस लड़की को क्या हो गया, मेट्रो में बैठ के इतना रो रही है, चिल्ला रही है। पूर्वी बहुत रिक्वेस्ट कराती है बस मुझे एक बार अदिति को दिखा दो, अदिति ठीक था। जिस पर कहते हैं मैं कैसे दिखाऊँ, मैं तो घर हूँ, वो सारे हॉस्पिटल हैं। अदिति उनके बारे में आपको उनके भाई बता सकता है, आप उन्हें कॉल कर लो। पूर्वी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं मुझे नंबर दे दो, मेरे पास नंबर नहीं है। तो यहाँ मेड जो है वो कहती है ठीक है नंबर लिखा, वो नंबर बता देती है। यहाँ पूर्वी सीधा अदिति के भाई को कॉल करते जो कि हॉस्पिटल में था, बेचारा बहुत परेशान था क्योंकि अभी तक अदिति की क्रिटिकल कंडीशन थी। यहाँ बार बार कॉल आने पर वो इरीटेट हो जाता है, पहले बहुत परेशान था अपनी बहन को लेकर इसलिए गुस्से में कॉल पिक करते हो, कहते क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता इंसान परेशान है अगर वो कॉल नहीं उठा रहा तो। पहले बहुत परेशान, अब कॉल मत कर लेना मोबाइल में घुस के मारूंगा। यहाँ पर भी बोलती है अदिति कैसी है भाई, तो कहते तुम्हें कैसे पता और कौन हो तुम, मेरा नंबर कहाँ से मिला। इस पर कहती है कि मैं अदिति की दोस्त हूँ, प्लीज़ आप मुझे बताओ आप उसे कौन से हॉस्पिटल में लेके गए, प्लीज़ मैं आ रही हूँ, मेरे रास्ते में हूँ। इस पर वो भी हैरान हो जाते हैं कि मेरी बहन की कौन सी फ्रेंड निकल आई। वेल वो हॉस्पिटल का नाम बता देते हैं और रूम नंबर भी बता देते हैं। अब यहाँ पूर्वी जो है उसे 2-3 घंटे लगने वाले थे मेट्रो से वहाँ तक पहुँचने में, और पूरा टाइम इस बेचारी की जान हलक पर थी, बहुत ज़्यादा रोती, उसे लगते सब उसकी वजह से, जो कि वाकई उसी की वजह से ही है। पूर्वी खुद को थप्पड़ लगा रही थी, उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि उसे किसी और से पता चलेगा तो बहुत तकलीफ होगी, तुम खुद ही उसे सच्चाई बता दो। और यहाँ पूर्वी रोती है कि काश मैंने माँ की बात मान ली होती तो आज अदिति की हालत नहीं होती, सब मेरी वजह से, सब मेरी वजह से। और पूर्वी खुद को थप्पड़ लगाए जा रही थी। यहाँ बहुत से लोग पूर्वी की हेल्प करने के लिए आते हैं क्योंकि वो बहुत पागलों की तरह रो रही थी, पर पूर्वी सबको भगा देती है कि मुझे नहीं चाहिए किसी की हेल्प। पूर्वी बहुत रो रही थी, उसका मन बैठा जा रहा था, वो तड़प रही थी बस अदिति को एक नज़र देखने के लिए। यहाँ फाइनली कुछ घंटों के बाद पूर्वी पहुँच जाती है अदिति के शहर और उसके शहर की खुशबू ही पूर्वी को थोड़ा शांत कर देती है। पूर्वी लेकिन अभी भी बस तड़प रही थी कि एक बार बस अदिति का दीदार हो जाए। वो जल्दी से ऑटो पकड़ती है और सीधा उस हॉस्पिटल में पहुँच जाती है। वहाँ जाके वो गलती से ना अदिति के भाई से ही टकरा जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि अदिति के भाई है, और वो तुरंत ना उस रूम नंबर की तरफ जाने लगते हैं जो कि उसके भाई ने बताया था। पूर्वी तुरंत दरवाज़ा खोलती है, अंदर जाती है, अदिति की मम्मा, पापा और उसका छोटा भाई ये तीनों वहीं पे थे। तभी यहाँ अदिति की मम्मा बोलती है बेटा लगता है तुम गलत रूम में आ गए। जिस पे पूर्वी बोलती नहीं आंटी सही रूम में आई हूँ, पर शायद मैंने आने में बहुत देर कर दी। पूर्वी इतना बोलते हुए अदिति के बेड की तरफ आ रही थी। अदिति के मुँह में हैरान होकर ना यूँ पीछे हट जाती है और पूर्वी को देखे जा रही थी। पूर्वी रोते हुए अदिति के पास आके बैठ जाती है, वो अदिति का हाथ यूँ अपने हाथ में लेती है और बस रोए जा रही थी। पूर्वी की वो आंसू की बूंदें जो सीधा अदिति के हाथ पर पड़ रही थी। इतने में वहाँ अदिति का बड़ा भाई भी आ जाता है, वो कहता है माँ ये कौन है। जिस पर उसकी माँ बोलती पता नहीं कह रही है सही रूम में आई और जब से आई अदिति को देख के रोई जा रही है। जिस पे अदिति के भाई बोलते तुम वो हो ना जिसने मुझे कॉल की थी और अदिति के बारे में पूछ के रो रही थी। जिस पे पूर्वी हाँ में जवाब देती है, तभी यहाँ अदिति की आँख खुल जाती है और आँख खुलते ही वो अपने सामने पूर्वी को देखती है। अदिति की आँखें नशे के कारण थोड़ी थोड़ी ही खुल रही थी, पर उसे फील हो रहा था कि उसके सामने जो इंसान है वो कोई और नहीं बल्कि पूर्वी ही है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अब देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। यहाँ अदिति ने इतना बड़ा स्टेप क्यों उठाया था पूर्वी के मुंह से सच्चाई बुलवाने के लिए, आप लोग को क्या लगता है? और अब पूर्वी और अदिति के बीच क्या होगा, क्या अदिति पूर्वी को हर्ट करेगी?
उसे बातें सुनाएगी और वहाँ से जाने का बोल देगी। और पूर्वी क्या करेगी यहाँ पे? क्या वो यहाँ रह के अदिति का सारा गुस्सा बर्दाश्त करेगी, उससे माफ़ी मांगेगी? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर देना। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो का कौन सा पार्ट या फिर कौन सा सीन अच्छा लगा वो कमेंट करके बता देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।